अभी जब हम गाड़ी में आ रहे थे हमने एक इंटरव्यू सुना है आपकी मम्मी जी का, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया इंटरव्यू भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी बोल दिया, मैंने बोल दिया लाइफ में जाके रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एल्विस यादव, फुकरे इंसान, अभिषेक मल्लान, जिनको पोक किया है यहाँ पे आसिम रियाज। अगर आप आसिम रियाज को जानते हो तो बिग बॉस शायद 14 या फिर 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वो रनर अप रहे थे, और वो जो बिग बॉस का एपिसोड था, सीजन था, वो नंबर वन पे ट्रेंड करता है, अभी भी ट्रेंड करता है। आपके लिए कौन सा ट्रेंड करता है ज़रूर बताना, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज या फिर एल्विस यादव और अभिषेक मल्लान वाला। तो यहाँ पे पोक किया है भाई आसिम रियाज ने कि उनका जो सीजन था उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पे एक लाइव कॉन्सेप्ट उनका चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि इनडायरेक्टली उन्होंने इस सीजन जो OTT2 जो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुआ था अभिषेक मल्लान या फिर एल्विस यादव फुकरे इंसान का, तो उन्होंने कहा भी कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता है सिद्धार्थ शुक्ला और भाई आसिम रियाज की। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना कौन सा नंबर वन सीजन रहा। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो भाई जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन था उसको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। अब दूसरी अपडेट के बारे में हम भाई यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा जो अपडेट है एल्विस यादव, आपको पता होगा बिग बॉस जब जीते थे उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। अगर वो लाइव आए थे तो वहाँ पे उन्होंने MC Stan का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था और भी बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, पर एक रिकॉर्ड वो बताना भूल गए थे। और सबसे पहले आप खुद देखिए कि एल्विस यादव इसे क्या कहते हैं। मैंने बिग बॉस जीतने के बाद जो ट्रॉफी वाली फोटो डाली थी ना उसपे ना 1 करोड़ से ज्यादा लाइक्स हैं, बट फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स का अपने भाई के पास था, विराट कोहली भाई के पास 11 मिनट में। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट 8 मिनट में हमने तोड़ दिया, ये मैंने बताना भूल गया था, इंडिया का रिकॉर्ड बन गया। अभी मैं वर्ल्ड का और चेक कर रहा हूँ एक बार, वर्ल्ड में फास्टेस्ट कितना है उसके बाद देखेंगे क्या होता, मतलब फिर बताऊंगा वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने यहाँ पे एल्विस यादव ने यहाँ पे विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया था कि उन्होंने जब कोई पोस्ट किया था तो उसमें शायद 10 या 12 मिनट में 1 मिलियन लाइक आ चुके थे, पर जो एल्विस यादव उन्होंने सिर्फ 8 मिनट में इसे ब्रेक कर दिया था। तो ये दूसरी अपडेट है। तीसरी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई जो जिया शंकर उनके मदर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अभिषेक के साथ उनकी फैमिली वाला कुछ ऐसा मैटर है, फैमिली जल्दी वो बन सकते हैं एक दूसरे। तो बहुत सारे यहाँ पे जो व्यूवर्स हैं या रिपोर्टर ये बताने लगे थे भाई दोनों की शादी हो सकती है। आज खुद अभिषेक ने इसको अपने ब्लॉग में बताया। सबसे पहले आप इसे चेक कीजिए। अभी जब हम गाड़ी में आ रहे थे हमने एक इंटरव्यू सुना है आपकी मम्मी जी का, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया इंटरव्यू भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी बोल दिया, मैंने बोल दिया लाइफ पे जाके भाई, हमारा इंटरनेट बहुत ज्यादा वीक था तो वो चल नहीं रहा था। तो क्या बोला आपकी मम्मी जी ने? तो बोला कि बहुत अच्छा लगेगा अगर ये क्या फैमिली बन जाए। मम्मी ने फैमिली मेंबर बना दिया है। तो इंटरव्यू सुन के मुझे अभी तक मेरे 500 टैग्स आ गए हैं कि क्या आप फैमिली मेंबर बन चुके हो, क्या चल रहा है। वो तो तुझे फैमिली की तरह मानती है यार, तू बेटी की तरह है उनका वैसे। फ्रेंड्स, तो देखा आपने अभिषेक और जिया शंकर आज के उनके ब्लॉग में आए हैं, खुद उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ये ह्यूमर्स है, जो ये फैला रहे, वो ऐसी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे एल्विस यादव, जिया शंकर और फिर फुकरे इंसान या फिर अभिषेक मल्लान का सॉन्ग भी अभी आने वाला है, तो इनके बीच कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके।